Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R.S. Agarwal ka chapter 12. Measures of length, mass and capacity solve kiya ja raha hai. Today we are going to solve exercise 53. 1 to 5th we have to add and from 6 to 11 we have to perform subtraction and find the difference. Let's start. 1. Here where we have to add two quantities which are given in liter and millimeter. 15 liter 625 milliliter and 8 liter 360 milliliter या ml. इन्हें हमें add करना है. तो values किसमें दी हैं? Liter और ml milliliter unit में expressed हैं. तो हम column wise इन्हें add करेंगे. Liter और milliliter का column बनाएंगे. जो value liter की है उसे लीटर के कॉलम में लिखेंगे, जो वैल्यू मिलीलीटर में लिखी है उसे मिलीलीटर के कॉलम में लिखेंगे, फिर हम ऐड करेंगे. आइए सॉल्व करते हैं इसे. यहाँ पे हमने वैल्यूज को अरेंज कर लिया, अब हम ऐड करेंगे. तो एडिशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मोस्ट राइट साइड यानी एमएल के कॉलम से. अब 5 + 0 5 होगा, 2 + 6 8, 6 + 3 9. अब लीटर के कॉलम में आते हैं, 8 + 5 13 का 3 वन कैरी. तो कैरी जो है नेक्स्ट हर प्लेस के डिजिट के साथ ऐड होगा, 1 + 1 2. तो हम देख रहे हैं लीटर के कॉलम के नीचे 23 है सम में, और मिलीलीटर के कॉलम के नीचे जो हमने सम फाइंड किया है उसमें 985 है. तो आंसर होगा हमारा 23 लीटर 985 मिलीलीटर. ऐसा हम रिक्वायर्ड सम करके लिख लेंगे क्योंकि बुक के एग्जाम्पल्स में इसी तरह सॉल्व किया गया है. तो एडेंट को आप अलग से ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सम इक्वल टू और जो भी फाइनल वैल्यू मिली है उसे हम लिखते हैं. रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 23 लीटर 985 मिलीलीटर. आइए देखते हैं नेक्स्ट. 2 में दिया है 23 लीटर 865 मिलीलीटर एंड 11 लीटर 385 मिलीलीटर. इन्हें हमें ऐड करना है. तो जिस तरह से क्वेश्चन 1 में हमने ऐड किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्व करेंगे. लीटर और मिलीलीटर इसका कॉलम बनाएंगे, जो वैल्यू लीटर की है उसे लीटर के कॉलम में, जो वैल्यू मिलीलीटर की है उसे मिलीलीटर के कॉलम में लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे. तो ये अरेंज कर लेते हैं इन्हें. अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिलीलीटर में जो वैल्यू लिखी है उन्हें पहले ऐड करते हैं. 5 + 5 10 का 0 वन कैरी, 6 + 1 7 7 + 8 15 का 5 वन कैरी, 8 + 1 9 9 + 3 12 का 2 और 1 कैरी. तो ये 1 कहाँ जाएगा? नेक्स्ट कॉलम में जाएगा जो कि लीटर का कॉलम है. नेक्स्ट हायर डिजिट वहीं पर है, तो नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट यहाँ पे लीटर के कॉलम में है, तो ये 1 यहाँ पर जाएगा. अब इसे ऐड करेंगे, 3 + 1 4 + 1 5 2 + 1 3. तो आंसर होगा 35 लीटर 250 मिलीलीटर. यहाँ पे हम आंसर करके भी लिख सकते हैं या रिक्वायर्ड सम करके लिख सकते हैं. तो हम लिख लेते हैं आंसर 35 लीटर 250 मिलीलीटर. थर्ड में वैल्यू दी है 36 लीटर 070 मिलीलीटर एंड 24 लीटर 930 मिलीलीटर. तो इन्हें भी लीटर और मिलीलीटर का कॉलम बनाते हैं और अरेंज कर लेते हैं, फिर हम इन्हें ऐड करेंगे. अब ऐड करते हैं 0 + 0 0 7 + 3 10 का 0 वन कैरी. तो नेक्स्ट हर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा, 1 + 9 10 का 0 वन कैरी. तो ये लीटर के कॉलम में आ जाएगा, नेक्स्ट हर प्लेस की डिजिट है ये. तो 1 + 6 + 4 11 का 1 वन कैरी, 3 + 1 4 + 2 6. तो लीटर के कॉलम में 61 है, मिलीलीटर के कॉलम में 00 यानी नथिंग है. तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 61 लीटर. तो हम लिखेंगे आंसर या रिक्वायर्ड सम जो भी लिखना चाहें, और वैल्यू क्या लिखेंगे? 61 लीटर. फोर्थ में दिया है 40 लीटर 286 ml एंड 35 लीटर 714 ml. तो इन्हें लीटर और मिलीलीटर के कॉलम में लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं. तो एडिशन स्टार्ट करते हैं मिलीलीटर के कॉलम से. 6 + 4 10 का 0 वन कैरी, जो कि नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा,
वन प्लस एट प्लस वन, टेन का जीरो, वन कैरी, नेक्स्ट हर प्लेयर्स की डिजिट के साथ ऐड होगा, टू प्लस वन थ्री प्लस सेवन, टेन का जीरो और वन कैरी जो कि नेक्स्ट हर प्लेयर्स की डिजिट के साथ ऐड होगा और जो कि लीटर के कॉलम में है, तो वन प्लस जीरो प्लस फाइव सिक्स, फोर प्लस थ्री सेवन। तो लीटर के कॉलम के नीचे यहाँ पे सम में 76 लिखा और मिलीलीटर कॉलम में 000 यानी नथिंग, तो आंसर होगा हमारा 76 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आंसर या रिक्वायर्ड सम जो भी लिखना चाहें और वैल्यू क्या लिखेंगे 76 लीटर। फिफ्थ में दिया है 5 लीटर 065 ml एंड 8 लीटर 985 ml। तो आइए इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15 का 5, 1 कैरी, 1 प्लस 0 प्लस 9 10 का 0, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14। तो लीटर के कॉलम में 14 है और मिलीलीटर के कॉलम में 050 यानी 50 ml। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर हम 14 लीटर 50 मिलीलीटर या ml। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो 1, 2, 5 यहाँ पर हमें ऐड करना था तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें 6 to 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 18 लीटर 580 ml एंड 8 लीटर 430 ml इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 18 लीटर 518 ml इज ग्रेटर देन 8 लीटर 430 ml, तो जो वैल्यू ज़्यादा है वो माइन्यूट के बनेगी और जो वैल्यू लेस है उसको हम एज ए सब्ट्रैक्ट लेंगे, यानी 18 लीटर 580 ml में सब्ट्रैक्ट करना है 8 लीटर 430 ml को, जिससे कि हमें इनके बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू लीटर और मिलीलीटर में एक्सप्रेस है, तो हम लीटर और मिलीलीटर का कॉलम बनाएंगे और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो, एट में थ्री सब्ट्रैक्ट होगा तो फाइव, फाइव में फोर सब्ट्रैक्ट होगा तो वन, अब 18 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 10 आएगा। तो डिफरेंस क्या है, 10 लीटर 150 ml। तो यहाँ लिख लेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस या फिर लिख सकते हैं सीधे आंसर, 10 लीटर के कॉलम में तो लीटर और 150 मिलीलीटर के कॉलम में है तो 150 ml। तो डिफरेंस आया 10 लीटर 150 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर जब मिलीलीटर का कॉलम देखते हैं तो 00 दिया है, 00 में 135 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 000 दिस इज लेस देन 135, तो ये बोरो लेगा, तो बोरो नेक्स्ट जो डिजिट है वो लीटर के कॉलम से है, तो यहाँ से जब वन बोरो देगा लीटर का कॉलम, यहाँ से जब 20 से हम एक बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 19 और 1 लीटर यहाँ पे मिलीलीटर के कॉलम में आएगा, तो ये मिलीलीटर का कॉलम है तो हमें मालूम है 1 लीटर इक्वल टू 1000, तो 1000 जब इस 00 से ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा 1000। अब 1000 में 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 865 और यहाँ पे 19 है, 19 में 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, तो लीटर के कॉलम में 5 है और मिलीलीटर के कॉलम में 865 है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 5 लीटर 865 मिलीलीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैल्यू दी है 24 लीटर 090 मिलीलीटर, 16 लीटर 285 ml। तो हम लीटर मिलीलीटर का कॉलम बनाएंगे और इन्हें अरेंज कर लेते हैं। अब मिलीलीटर का कॉलम में 090 यानी 90 लिखा हुआ है और उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 285, तो 90 इज लेस देन 285, तो ये बोरो लेगा, तो लीटर के कॉलम से जब बोरो लेंगे तो 24 बन जाएगा 23 और यहाँ से 1 लीटर मिलीलीटर के कॉलम में आएगा, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, तो इस 90 के साथ 1000 ऐड होगा तो बन जाएगा 1090 में 285 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 805
और 23 में 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7। तो लीटर के कॉलम में 7 लिखा हुआ है, मिलीलीटर के कॉलम में जो डिफरेंस है वो 805 है। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर 7 लीटर 805 मिलीलीटर। सॉल्व 9, 60 इज लेस देन 985, तो ये बोरो लेगा और यहाँ 32 बोरो देने के बाद बन जाएगा 31, और वहाँ से 1 लीटर मिलीलीटर कॉलम में आएगा तो 1060 के साथ ऐड होगा तो 1060 हो जाएगा। 1060 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 985 तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 75, और 31 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 13। तो लीटर के कॉलम में 13 है, मिलीलीटर के कॉलम में यहाँ पे 0 होगा, 075, तो वैल्यू क्या हुई 13 लीटर 75 ml। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 लीटर 75 ml। 10 में वैल्यू दिए 40 लीटर 120 ml, 20 लीटर 275 ml। तो माइन्यूट है यहाँ पे 40 लीटर 120 ml और सब्ट्रैक्ट है 20 लीटर 275 ml। यहाँ पर 120 इज लेस देन 275 है तो बोरो लेना होगा, तो लीटर के कॉलम से जब 40 बोरो देगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा 39, और बोरो लेने के बाद यहाँ पर 1 लीटर जब मिलीलीटर कॉलम में आएगा तो वो 1000 बन जाएगा और 120 के साथ ऐड होगा तो बनेगा 1120। 1120 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 275 तो यहाँ वैल्यू आएगी 845, और 39 में 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 19। तो लीटर के कॉलम में 19 है, मिलीलीटर के कॉलम में 845, ये डिफरेंस में रिजल्ट आया है। तो आंसर हमारा होगा 19 लीटर 845 ml। 11th में 10 लीटर 200 ml में 7 लीटर 375 ml को सब्ट्रैक्ट करना था, तो मिलीलीटर कॉलम में यहाँ 200 में 375 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 200 इज लेस देन 375, तो 200 क्या करेगा लीटर के कॉलम में 10 से बोरो लेगा, तो 10 बोरो देने के बाद 9 बन जाएगा, और जब यहाँ से 1 आएगा मिलीलीटर के कॉलम में तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो 1200 में ऐड होगा और यह बन जाएगा 1200। अब 1200 में 375 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 825। 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, तो लीटर के कॉलम में यहाँ पे 2 दिया है, मिलीलीटर के कॉलम में 825, तो आंसर होगा 2 लीटर 825 ml। इसके साथ ही एक्सरसाइज 53 कंप्लीट होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 54 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।